तो डियर, हम लोग जो है मैप प्रोजेक्शन का अब पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर्स है आपका स्टैंडर्ड लाइन। स्टैंडर्ड लाइन जो है ये लाइन ऑफ टेंजेंसी को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन प्रोजेक्शन सरफेस एंड रेफरेंस ग्लोब। प्रिंसिपल स्केल्स ये रेशियो होता है ग्लोब रेशियो और अर्थ रेडियस का, जो कि मैप प्रोजेक्शन में यूज किए जाते हैं। 12 इंचेस ऑन ग्लोब रेडियस इज इक्वल टू हमारा जो है 1:2 इज इक्वल टू 20,924,640 प्रिंसिपल स्केल पे जो है ये रिप्रेजेंट कर, मतलब इस तरीके से, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन जो है रेफरेंस के लिए जो डाटा लेकर चलते हैं एक रेशियो, उसी को जो है हम लोग बोला जाता है। स्केल फैक्टर जो है ये रेशियो होता है लोकल स्केल टू प्रिंसिपल स्केल। स्केल फैक्टर अगर एक है तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड लाइन जो है उसको लेकर चलते हैं। फॉल्स ईस्टिंग, जब हमारा नेगेटिव ईस्ट डायरेक्शंस होता है ना, तो उसको जो है फॉल्स ईस्टिंग कहा जाता है। और फॉल्स नॉर्थ किसको कहते हैं, जब नेगेटिव नॉर्थ डायरेक्शन होता है, यानी ईस्ट का होगा वेस्ट डायरेक्शन है तो फॉल्स ईस्टिंग होगा, और अगर नॉर्थ के जगह पे साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फॉल्स नॉर्थिंग हो जाएगा, है ना, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ है, तो साउथ को जो है नेगेटिव या फॉल्सिंग नॉर्थ के तौर पे लेकर चलेंगे। कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि हमारे मैप प्रोजेक्शन में यूज किए जाते हैं, है ना, कॉमनली यूज मैप प्रोजेक्शन, या तो एक मेथड कह सकते हो या टर्म कह सकते हो, जिसमें सबसे पहला आपका है ट्रांसवर्स मेटकेयर प्रोजेक्शन। इसको जो है गॉज करुंगर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वेरिएशंस होता है मेरकेटर प्रोजेक्शन का, जो कि प्रोबेबली बेस्ट नोन होता है फॉर प्रोजेक्शन फॉर मैपिंग द वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए बेस्ट होता है। जो कॉमन प्रोजेक्शंस होते हैं विच इज़ द बेसिस ऑफ द UTM ग्रिड सिस्टम एंड SPCC सिस्टम के बेसिस पे जो है मैप का प्रोजेक्शन कॉमनली किया जाता है। उसके बाद आता है लैम्बर्ट कंफोर्मल कोनिक प्रोजेक्शन, इट इज़ द स्टैंडर्ड चॉइस फॉर मैपिंग इन ए मिड लैटिट्यूड एरिया ऑफ ग्रेटर ईस्ट वेस्ट देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड सच एज द स्टेट ऑफ मोंटाना कंटेरिमिनस यूनाइटेड स्टेट। ये जो स्टेट्स का जो प्रोजेक्शंस किए गए मैप का, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किए गए, जो कि लैम्बर्ट कंफोर्मल कोनिक प्रोजेक्शन के बेसिस पे किया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड चॉइस होता है, लगभग हर कोई जो है इसको अपनाता है। इसमें जो है मिड लैटिट्यूड एरिया को जो है प्रेफर किया जाता है। एल्बर्ट्स इक्वल एरिया कोनिक प्रोजेक्शन, ये भी जो है लैम्बर्ट कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन के जैसा ही जो है वर्क करता है। ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें नेशनल लैंड को कवर किया जाता है, कवर डाटा 1992 फॉर द कंटर्मिनस यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आता है इक्वी डिस्टेंस कोनिक प्रोजेक्शंस, ये जो है सिंपल कोनिक प्रोजेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सेम काम करता है लैम्बर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन के जैसा। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात किया जाए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज किए जाते थे या अभी भी किए जाते हैं, वो होता है UTM यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मेरकेटर ग्रिड सिस्टम, UPS यूनिवर्सल पोलर स्टेरियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम्स, और SPCC स्टेट प्लान कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इसको इंडिया में नहीं यूज किया जाता है, इंडिया में भी इसको जो है यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, टर्म है मैप स्केल। मैप स्केल जो है ये रेशियो होता है हमारा मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस ले रहे हैं,
और मैप पे कितना डिस्टेंस ले रहे हैं उसका जो रेशियो रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को मैप स्केल कहा जाता है। जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे एंगुलर मेजरमेंट को DMS और DD में, तो जो डेसिमल डिग्री सिस्टम होता है इसमें जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, उसका वैल्यू DD में होता है, डेसिमल डिग्रीज में होता है। लेकिन जो डिग्री मिनट सेकेंड्स सिस्टम होते हैं इसमें जो मेजरमेंट्स होते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, वो डिग्री मिनट और सेकेंड में लिया जाता है, ठीक है। जिसमें एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और एक मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड जो है हमारा होता है। उसके बाद है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड जो है ये एक मॉडल है डैट अप्रोक्सीमेट द अर्थ, है ना, अर्थ को जो है अप्रोक्सीमेट करता है। इसको जो है इलिप्सॉइड के नाम से भी जाना जाता है या इसको स्फेरॉइड भी कहा जाता है। जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट डाटाबेस है यानी GCDB है, ये एक डाटाबेस होता है जो कि डेवलप्ड किया गया है US ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट के द्वारा टू इंक्लूड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वैल्यू एंड अदर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन फॉर सेक्शन कंसर्न एंड मोनूमेंट्स रिकॉर्ड, है ना, मोनूमेंट्स रिकॉर्ड के लिए इन PLSS यानी पब्लिक लैंड सर्वे सिस्टम में। मेरिडियन के बारे में बात किया जाए तो मेरिडियन एक लाइंस होते हैं लॉन्गिट्यूड्स का जो कि मेजर करता है लोकेशन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन द ग्राफिक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। रिफरेंस ग्लोब के बारे में बात किया जाए तो ये रिड्यूस्ड मॉडल होता है अर्थ का फ्रॉम विच मैप प्रोजेक्शन आर मेड, है ना, जहाँ पे मैप प्रोजेक्शन जो है क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसको दो बार लिखा गया है। जो रेफरेंस ग्लोब होता है इसको नॉमिनल या जनरेटिंग ग्लोब के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रोजेक्शन के बारे में बात किया जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ स्फेरिक स्पेशियल डाटा, जो स्पेशियल डाटा का जो प्रोजेक्शंस होते हैं फ्रॉम वन प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर, उसको रिप्रोजेक्शन मतलब एक पर उस डाटा के यूज करके प्रोजेक्शन किया जा चुका है लेकिन वहाँ पे फिर से दोबारा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंडर्ड पैरेलल जो है ये एक लाइन होता है जो कि पैरेलली फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टेट प्लान कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको SPC कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है स्टैंडर्ड जो है डेवलप किया गया था 1930 में टू परमानेंटली रिकॉर्ड ओरिजिनल लैंड सर्वे मोनूमेंट्स लोकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में ओरिजिनल लैंड सर्वे मोनूमेंट्स लोकेशंस को क्या किया जाए, परमानेंटली रिकॉर्ड करने के लिए जो है डेवलप किया गया था। मोस्ट स्टेट्स हैव मोर देन वन जोन बेस्ड ऑन द SPC 27 एंड SPC 83 सिस्टम का जो है यूज किए जाते हैं। आई होप कि आज का जो सेशन था ये आपको समझ में आया हो। GIS में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था, जो टॉपिक था या एक तरीके से चैप्टर कह सकते हो, वो चीज़ें आपकी समझ में आया हो। इसमें UTM के बारे में अभी और बताना बाकी रह गया है तो UTM के बारे में आप लोगों को आने वाले अगले अपकमिंग लेक्चर्स में देखने को मिलेगा।